मुस्कुराती रहो और वहाँ आज तुम हमारे साथ चलोगी। असल में मुझे किताबें चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। चलो अब तुम पैसे निकालो यार, जल्दी करो। चलो जल्दी से निकालो, तुम्हें पता है ना कितने खर्चे बढ़ गए हैं। निकालो भी। शुक्रिया, ये हुई ना बात। चलो दोस्तों, बाय बाय। डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुस्कुरा दो जरा, मुस्कुराना अच्छा होता है। चलो शाबाश, जल्दी से मुस्कुरा दो। हाँ हाँ हाँ, चलो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, भूख लगी है और पैसे नहीं है मेरे पास। शर्म करो, छोटी सी बच्ची को तंग कर रही हो। ये तंग करना क्या होता है? वही जो तुम मुझे अभी कर रही हो। मैंने तुम्हें अपने MCC से खिलाया क्योंकि तुम्हें भूख लग रही थी। MCC क्या होता है? आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता? इसका मतलब है मॉम्स क्रेडिट कार्ड। क्या ये पैसों से भी काम की चीज है? एक ही बात है। खैर अब आइंदा से दोबारा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी। पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते। मेरी मॉम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। उनको तो मुझसे भी बात करने का टाइम नहीं मिलता। सुबह से शाम तक वो बस पैसे कमाने के लिए काम करती हैं। वो पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती हैं? तुम तो फारिग हो ना, अब खुद भी सोचो जरा। मेरी मॉम पैसे इसलिए कमाती है ताकि मुझे खुश रख सके। लेकिन अगर वो सुबह से लेकर शाम तक पैसे ही कमाती है तो तुम्हें खुश करने का मौका कब मिलता है? ये तो नहीं पता, बस मिल जाता है। मेरी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है। मैं दुआ करूंगी कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मिल जाए तुम्हें। ये रख लो, इन पैसों को थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना, खाना खा लेना और जल्दी कोई जॉब ढूंढ लो तुम भी, ताकि भूखा न सोना पड़े। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पैसों के बिना कुछ नहीं होता। समझ गई। अपना ख्याल रखना, बाय। अंकल, देख के नहीं चल सकते? सुनो बेटा, देख के चलने की तुम्हें जरूरत है। पागल। कितनी शरारती है ये। देखो तो इसे अंकल कह रही है मुझे। छोड़ो यार, मैं अंकल दिखता हूँ क्या? लिए सुनो मेरी बात। अंकल ही हो, चलो हमें देर हो रही है। तुम तो इसका पीछा छोड़ दिया करो। अब मुझे और भी पैसे चाहिए। जानती हो ना, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? तंग नहीं करो, छोड़ दो उसे, ये बुरी बात है। हटो जरा। तुम्हारे पास MCC नहीं है क्या? वो भी पैसों की तरह ही होता है। अभी बताती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, तुम्हें बताती हूँ मैं। वादा करो मुझसे कि दोबारा किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ नहीं करूंगी आज के बाद। ये इसने हमारे पैसे लिए थे। अरे तुम तो झूठ भी बोलती हो। कहाँ जा रही हो? झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। छोड़ दो झूठ बोलना। झूठ बोलती हो क्या?
झूठ बोलना बुरी बात है, तुम तो मत बोलो। ठीक हो तुम? हाथ उठाओ अपना। हेलो मामा। जी मैं स्कूल में ही हूँ। सच कह रही हो ना? दोबारा कॉल करूंगी तुम्हें, और तुम बुरे बच्चों से दूर रहना, ठीक है? अपने भाई को देखो, वो बुरे लोगों के साथ रहकर कितनी बड़ी मुसीबत पे फंस गया है। खैर तुम्हें ये बातें अभी कहाँ समझ आएंगी, रखती हूँ। क्या मुसीबत है? लिफ्ट रुकने वाली है। लिफ्ट कैसे रुक गई? तुम कौन हो? तुम पहले भी मुझे उल्लू बना चुके हो। मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो। सॉरी, मुझे मारना नामुमकिन ही समझो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सामने आने की? ये क्या हो रहा है? काफी अंधेरा है ना, क्यों ना रोशनी कर दे? लिफ्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, देखो पीछे। लेकिन इस दरवाजे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है आखिर? ओ, नीचे देख के जरा मैडम, कहीं उस बेचारे के हाथ पर पैर ना रख दे। ये तो तुम्हारा बेटा लग रहा है मुझे। मॉम, मॉम बचा ले मुझे, मुझे बचा ले। बेटा, बेटा, बेटा हाथ मत छोड़ना। मॉम, हाथ मत छोड़ना, मुझे बचा ले। मॉम, इस दर्द को महसूस करो। तुम्हारे बेटे ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। महसूस करो इस खौफ को जब वो इस ऊंचाई से नीचे गिरा होगा। उसकी मां के बारे में सोचो, उसे भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी तुम्हें हुई है। सारी जिंदगी वो इसी अजियत में गुजारेगी। अब देखो, तुम इन तमाम लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिन्होंने तुम पर जुल्म किए। सिर्फ और सिर्फ अपने इस पत्थर दिल के बारे में सोचो जिन्हें तुमने तकलीफ पहुंचाई, उनके बारे में सोचो। आप ठीक तो हैं ना मैडम? वो लिफ्ट बंद हो गई थी पता नहीं कैसे। वकील से राब्ता करो, कहो कि केस वापस ले ले। क्या? और जो बच्चा मरा था उसकी माँ का नंबर है, उससे मिलना है मुझे। लेकिन किस लिए मैडम? माफी मांगनी है उससे। माफी मांगनी है? आप ठीक तो है ना मैडम? देखो तो जरा, कहीं हमारी मैडम पागल तो नहीं हो गई? समझ नहीं आ रहा कुछ। चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई कितना भी खुद को हीरो समझे, मेरे दोस्त जोंजे के आगे सभी फेल हो जाते हैं। वैसे तुम्हारे पास जबरदस्त टैलेंट है ना, अगर हम चोरी चकारी ना करते तो सारी दुनिया को मैं तुम्हारा ये टैलेंट दिखाता कि देखो मेरा दोस्त कितना सही है। लेकिन फिलहाल ये नाम लिख रहे यार। वैसे तुम हिप्नोटाइज कैसे करते हो? वाह यार, इसे तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा। ये जानने के लिए ये कितना बेताब था, इसीलिए आज इसने अपनी जुबान खोली। ऐसा है क्या? इसकी शुरुआत होती है आंखें मिलाने से।
आंखें और दिमाग कनेक्ट होने चाहिए। उसको हमने पहले एक स्कैम मैसेज भेजा और जब उसने लिफ्ट में नंबर 17 देखा तो वह हिप्नोटाइज हो चुकी थी। उसके बाद पैटर्न इंटरप्ट, उसके बाद वह ऐसी दुनिया में खो जाता है जो मैंने बनाई होती है। इस सब की शुरुआत आंखों से होती है। वो वही देखता है जो मैं सोचता हूं। असल खेल आंखों का होता है मेरे दोस्त, आंखों का। कुछ समझ आई तुम्हें? अरे बुजदिल, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। तुम बस गेम्स वगैरह खेलो बच्चे। बच्चे? कोई बात नहीं, तुम निकालो, मैं नजर रखती हूँ। वैसे तो इस इलाके में सभी अमीर लोग रहते हैं और वो नए कपड़े फेंक देते हैं। और वैसे अगर तुम्हें मुफ्त का खाना खाना हो तो सिविल स्टेशन चली जाना, वहाँ हम जैसे गरीबों को मुफ्त का खाना दिया जाता है। वैसे तुम ये कपड़े पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही हो, हम जैसी लंबी लड़कियों पर सब कुछ अच्छा लगता है। ये कोट जो तुमने पहना है ना, बहुत ही महंगा लगता है। जब मैं अमीर हुआ करती थी ना, तो हर हफ्ते इस किस्म के कोट बदलती रहती थी। कोई हैसियत नहीं थी इनकी मेरे सामने। वैसे कहाँ से हो तुम? मैं समंदर पार से। अच्छा, मतलब दूसरे मुल्क से हो। मैं भी पहले से पेरिस और मिलान जैसी जगहों पर शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। कई मुल्क घूमी हूँ मैं। और फिर मैं बैंकरप्ट हो गई और मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, सड़क पर आ गई, और अब मैं इन गलियों में दिन रात भटकती रहती हूँ। खैर, तुम से और क्यों आई हो? मैं यहाँ जॉन जी को ढूंढने आई हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को? रहता कहाँ है वो, डेची या डोंग में? उसने कहा वो सियोल में रहता है। नंबर है उसका? फोन नंबर? ओ बेचारी, तो उसने तुम्हें नंबर दिए बगैर ही तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ तक आ गई उसे ढूंढने के लिए। हाय, तुम्हें अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वो क्या होता है? उसने कभी तुम्हारे सामने किसी खास जगह का नाम लिया था? उसने ना चाहते हुए भी तुम्हारे सामने उस जगह का जिक्र किया होगा जहाँ वो आया जाया करता था, तो तुम्हें ना उसे उसी जगह पे ढूंढना चाहिए। बिल्डिंग 63। जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी आएं, जल्दी। बस कार्ड कहाँ है तुम्हारा? पैसे? पैसे हैं। ये तो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो और बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। अगर मैं वहां चली जाऊं तो देख पाऊंगी उसे क्या? कल के लिए तैयार रहना,
गलिकोरियम की रीओपनिंग है, बहुत रश होगा, यहाँ पे मछलियों की तरह लोग भरे हुए होंगे। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। और हाँ, कल कोई लेट नहीं होगा। मुझे लगा था भूखी मर जाऊंगी मैं। खाना बन गया? किसी की बर्थडे क्या आज? जी बिल्कुल, मेरे बेटे की भी बर्थडे आज ही होती है। ओ अच्छा, आपने उस सूप में क्या मिलाया था? समुद्री पौधा, मेरे बेटे को इसका सूप बहुत पसंद है। इतना सब कुछ किसके लिए? हाँ, तो ये सब उसके लिए किया जा रहे हैं। आप सूप को थर्मोस में डाल देंगी प्लीज, और बाकी की डिशेस लंच बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। जरूर। अरे रुको तो जरा, मर्द ना इन पैतरों से जाल में नहीं फंसते। बात सुनो, ये खाना वाना ना सब बेकार है, इससे अच्छा है कि तुम उसे नशे की गोली खिला दो। उसकी फिक्र करना छोड़ो यार, बस अपना ख्याल रखो। मैं जहाँ पे पढ़ाई करने जाती हूँ, एक बच्चे की बर्थडे है वहाँ, उसी के लिए है ये। वैसे भी कौन सा मर्द खाना खा के फंसता है, कुछ भी। मैंने ये समंदरी पौधों से बनाए हैं, नहीं मालूम तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। तुम कैसे जानती हो आखिर इसके बारे में? मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। मैं नमदू से बात कर रही थी तो उसने बताया मुझे। ये नमदू भी ना सब कुछ बता देता है। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। शुक्रिया। मॉम, क्या आज कहीं बाहर चले हम? बिल्कुल, लेकिन आज तुम्हारे डैड थोड़े बिजी हैं तो तुम और मैं साथ जाएंगे। ओके। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सीक्रेट है ये। वाह भाई, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है, क्या ये तुमने बनाया है? जुंजाई की बर्थडे है ना इसलिए। वाह क्या बात है भाई, देखने में तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन पूरी वाइफ मटेरियल है ये। देखने में तो ये मजेदार लग रहा है। तुम्हारी आज बर्थडे है ना, तो क्यों ना आज पार्टी हो जाए। ये यहाँ पास में ही एक वाइन बार है नमदू। तुम्हारा आइडिया बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आने वाला है, रिजर्वेशन करवा लो। मेरा अपॉइंटमेंट है आज। कौन सा अपॉइंटमेंट है? मसला क्या है यार, तुम हमेशा अपने बर्थडे वाले दिन मरीज बनकर बैठ जाते हो। कहाँ जाना है तुम्हें, किससे मिलना है? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, हम चलेंगे। बोर हो रहे हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो एक काम क्यों नहीं करते तुम दोनों, चाशी को साथ लो और वाइन बार चले जाओ ना। वैसे सूप अच्छा था, बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे, अपना ख्याल रखना। यह आसानी से हाथ नहीं आता, बहुत ही पत्थर दिल इंसान है ये। क्या वो किसी और लड़की से मिलने गया है? हाँ, कोई और मिल गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस पागल को कोई और लड़की मिलेगी। एक फैसला तो वो ठीक से कर नहीं पाता। वो दोस्ती तो कर लेता है, लेकिन दिल में किसी को जगह नहीं देता। मुझे तो ये कोई साइको केस लगता है। क्या ये सच में तुमने बनाया है? तो तुम्हें क्या लगता है, मेरी नौकरानी ने बनाया है?
अरे रुको, हम साथ जा रहे हैं ना? मॉम, मैं दरवाजा बंद होने तक बहुत खेलना चाहता हूँ। ओ, ध्यान से बेटा, मैं आ रही हूँ ना। जॉर्जी। हाँ, वो तो जलपरी है, लेकिन जलपरी का शो शुरू होने में तो अभी आधा घंटा है। मम्मा। जी बेटा। देखिए वो जलपरी मछली को खा गई। ऐसा नहीं है, जलपरी तो मछलियों को नहीं खाती, वो तो उनकी दोस्त होती हैं, छोटी मछलियों से प्यार करती हैं वो। देखो कितनी प्यारी है ना वो, रही वो देखो। वाह। शो अभी किसने शुरू किया? उसे अंदर किसने जाने दिया इस वक्त? आखिर उसे परमिशन किसने दी इसकी? सर, हमें इस बारे में कोई नहीं। वो देखे, ये यहाँ है तो पानी में कौन है? अगर ये यहाँ तो पानी में कौन है? ओ, तो अब खबर हुई है तुम्हें? आज के दिन ही ये सब कुछ होना था क्या? कहाँ गई तुम लोगों की सिक्योरिटी? हाँ, वो यही है वो लड़की। क्या पानी के अंदर तुम थी? किसकी इजाजत से गई तुम वहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ए लड़की, इनकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? देखो आज कौन मिला है तुम्हें। थॉमस है ये। ये कह रहा है कि अगली बार तुम मिले तो जान से मार देगा तुम्हें। और मेरे पास एक और तस्वीर है जिससे ये साबित होता है कि स्पेन में तुम उस लड़की से मिले थे। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो यार। पकड़ लो इसे। ये जरूर किसी दूसरी कंपनी की जासूस होगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। लोग भूखे देख लो, क्या भूखे होते हैं?
언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴을 하고 멈춰진 시간 속에 너와 마주쳤던 나 조금 두려웠나 봐 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠도 너야 This is love story 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 मुझे माफ कर दो जॉन जी तुम्हें ये चाहिए था ना तुम मुझे अब याद नहीं कर पाओगे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा वादा निभाऊंगी फिर चाहे कोई तूफान क्यों ना आ जाए या मैं सूरज की किरणों से जल जाऊं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी मैं हमेशा याद रखूंगी मैं और जब भी तन्हाई सताएगी तुम्हारे पास चली आऊंगी मैं तुम्हारे पीछे चली आऊंगी आई लव यू जॉन जे अलविदा जॉन जे We'll be right back.